सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम लाइफ की प्रायोरिटी सेट कर लें तो इसके बाद अहम अमर यह होगा कि हम ये बात आइडेंटिफाई करें कि हमारे काम में किन किन चीजों को एड्रेस करना हमारे लिएपेयर इमोशनल इंटेलिजेंस टू इंटरक्ट विद द टास्क दर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रिगार्ड इज दट दीपल शुड बी एबल टू नो के उनके फोर वे आर द पीपल एसोसिएटेड विद द पर्सन उसकी प्रोफेशनल लाइफ उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट, उसकी कम्युनिटी उसका होम और उसकी अपनी जात उसके जो चारों एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम फोर वे विंस के नाम से जानते हैं उनके साथ उसकी एसोसिएशन एंड एसोसिएशनिएशन वो क्या है उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ताकि उसके मुताबिक ही हम लोगों को डेवलप कर सकें ट्रेन कर सकें और खुद भी लोगों को इस बात का इतराक हो कि उन्हें कैसे अपने आप को एसोसिएट करना है विद होल्डर्स एंड ऑब्वियसली इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड अबव एवरेज रिटर्न देयर याद रखें कि हमें चीजों को मैनेज करना है और हमें चीजों को कोच करना है और इस तमाम अमर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि हम चीजों को कोच करना ज्यादा बेहतर तरीके से लेकर चलें एज कंपेयर टू मैनेज करना बिकॉज मैनेज आप तभी करोगे जब चीजें डेविएट हो रही हैं और मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो मोटिवेशनल कंसर्न होगा ट्रेनिंग कंसर्न होगा वो रिलेटिवली कम हो जाता है बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर हम ज्यादातर की बात वो करते हैं जबकि कोचिंग में आप लोगों को ट्रेन करोगे डेवलप करोगे उनकी मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करोगे और आप साथ ही साथ उनके मोटिवेशनल भी फोकस वो करोगे रिमेंबर इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कोचिंग इज बेटर देन मैनेजिंग अब इस सारी बात को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत अहम चीज हमारे लिए ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्ट में कोचिंग वुड लीड टू वी हैव टू सी दैट इट लीड टू द विनिंग ऑफ द ट्रस्ट कि लोग ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रस्ट वर्दी तरीके से आपके साथ एसोसिएटेड वो हों और साथ ही साथ हमें 360 डिग्री फीडबैक उसकी भी जरूरत होगी 360 डिग्री फीडबैक के अंदर हमें इस बात को सोचना होगा कि हमारे स्टेक होल्डर्स का कंसर्न हमारे साथ क्या है और ऑब्वियसली उसी के मुताबिक ही हम अपने अमल को वो क्राफ्ट कर सकेंगे डेवलप कर सकेंगे और ट्रेन और मेंटोर शेप रिलेशनशिप में बेहतर मौाक हासिल वो कर सकेंगे हमारे लिए बहुत जरूरी है कि 360 डिग्री फीडबैक में हमारे जितने भी एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स हैं वो सब हमें मुस्बत क्रिटिसिज्म वो प्रोवाइड करें और वो क्रिटिसिज्म फॉर द ऑब्वियसली करेक्शन एंड वो होगा क्रिटिसिज्मी के साथ साथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग इस बात का ख्याल रखें कि हमें अपना टीएनए वो भी करना है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जिसमें कि हम ये जान पाए कि हमारी ट्रेनिंग की जरूरिया क्या क्या हैं और कहां कहां पर हमारा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं रिलेटेड टू अवर इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्टेक्स्ट पर हमें सेल्फ अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है कहां पर हमें सेल्फ कंट्रोल रखने की जरूरत है कहां पर हमें अपने एम्पेथी को भी ट्रेन एंड डेवलप करने की वो जरूरत है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हमें इस बात पर गाइड करेगा कि हमारा रिएक्शन हमारा डेवलपमेंट वो कहाँ पर होना चाहिए और कहा पर एक्चुअली गैप्स हैं जिन गैप्स को फुलफिल करने के लिए हम इस सारी कोशिश को मटीरियलाइज वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी ये है कि हम आइडेंटिफाई करें आइडेंटिफाई करें अपने से रिलेटेड पर हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है कहां पर हम बेहतर वो शो कर सकते हैं बिकॉज वही परफॉर्मेंस हमारे लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में वो माइल बनेगी जिसको कि हमने मजीद बेहतर से बेहतर वो बनाना है और ये सभी तभी और ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब हम ट्रेनिंग और अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस वो कर सकें